हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये है लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने टाइप 4 तक क्वेश्चन टाइप 4 तक कर लिए थे। टाइप 4 कंप्लीट हो चुका था। इस क्लास में हमें शुरू करना है टाइप 5। टाइप 5 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे टाइप 5। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ है। व्हाट इज ये है क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट विल डिवाइड 99, 123 और ये है 183। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 99, 123, 183, लीविंग द सेम रिमाइंडर, लीविंग द सेम रिमाइंडर, लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, इन ईच केस ऑल्सो फाइंड कॉमन रिमाइंडर। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड का मतलब क्या हुआ सर? यहां ये जो नंबर हम फाइंड करने वाले हैं वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब ये एक फैक्टर है और फैक्टर होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यहां से ये पढ़ के साफ साफ क्लियर हो रहा है कि हमें एच सी एफ फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मतलब ये नंबर डिवाइड करेगा, तो हमें एच सी एफ निकालना है। वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे, और तीनों को डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर सेम आए। तो इस केस में आपको रिमाइंडर सेम चाहिए, तो इसका इसका डिफरेंस और इन तीनों का डिफरेंस निकालना होगा आपस में। आइए देखिए इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है। आपको निकालना होता है मॉड में ए माइनस बी, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फिर बी माइनस ए और उसके बाद सॉरी बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये तीनों डिफरेंस निकालने होंगे। डिफरेंस का मतलब होता है ये, जैसे आप 99 मॉड लगाने का मतलब होता है माइनस में, डिफरेंस अगर आता है तो आप उसे प्लस में ही लिखेंगे। ए माइनस बी 99 माइनस 123 और ये हो जाएगा बी माइनस सी 123 माइनस 183। इनका बस आप डिफरेंस निकालेंगे, फिर हो जाएगा सी माइनस ए 183 माइनस 99। तो यहाँ पे माइनस में आएगा, लेकिन अब वो भी क्या लिया जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस प्लस उसमें नहीं देखा जाता है, सिर्फ माइनस डिफरेंस देखा जाता है। तो 123 और 99 के बीच क्या डिफरेंस है, 24। इनके बीच क्या डिफरेंस है, 183, 20, 60 और इनके बीच क्या डिफरेंस है, 84। तो यहाँ पे हमें इन तीन नंबर्स का, ये जो तीन नंबर्स आए हुए हैं इनको आपस में माइनस करने से, अब ये तीन नंबर्स का जो हम निकालेंगे क्या एच सी एफ, ये वही एच सी एफ होगा सर। इन तीन नंबर्स का आप क्या निकालिए, 24 इसका, ये देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 2, यह है 12 इंटू 5 और यह है 12 इंटू 7। कॉमन है 12, इसका एच सी एफ हो जाएगा 12। इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 12। तो अब ये 12 जो होगा वो रिक्वायर्ड नंबर है, जिससे 99, 123 और 183 इनका आपस में डिफरेंस निकालिएगा। सेम रिमाइंडर इन ईच केस आपको निकालना है। क्वेश्चन में रिमाइंडर अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग रिमाइंडर चाहिए तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं।
अगर आपको सेम रिमाइंडर नहीं चाहिए इन ईच केस, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट इस टाइप 4 या 3 में मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 99, 123 और 183 को उस नंबर से डिवाइड करना है, बड़े से बड़े नंबर को फाइंड करना है, जिससे डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर क्या दे। सर रिमाइंडर तो आए इसमें, लेकिन वो तीनों केस में, इसको भी डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आना चाहिए, इसको भी डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आना चाहिए, और इसको भी डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आना चाहिए। इस केस में आप क्या करेंगे, इनका आपस में डिफरेंस निकाल लेंगे पूरा। सर कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स बनेंगे इसमें, 1, 2 एंड 3, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इन 3 पेयर्स को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, और ये एचसीएफ वो नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पर 99, 123 और 183 सेम रिमाइंडर देंगे, रिमाइंडर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर चेक करिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड कॉमन रिमाइंडर। तो पहली चीज, 99 को आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से, ये आ जाएगा 96, रिमाइंडर आया 3। अब आप 12 से डिवाइड करेंगे, सर 123 को डिवाइड करवाइए, ये 10 टाइम्स जाएगा 120, यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा, और 183 है, इसको भी आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स जाएगा 180, यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा। तो देखिएगा, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ये हो गया आपका आंसर। और वो कॉमन रिमाइंडर है क्या, 3, वो कुछ भी आ सकता है, नंबर कोई भी होगा, अलग अलग रिमाइंडर आएगा। बस आपको करना क्या है, अगर कॉमन रिमाइंडर इन ईच केस क्वेश्चन बोलेगा तो इनका डिफरेंस निकालिएगा। इनका आपस का डिफरेंस क्या करता है सर, ये जो डिफरेंस आता है एचसीएफ निकालने पे, यही तो डिफरेंस आते हैं इनमें। क्योंकि अगर आप 19 से 123 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 123 माइनस 99 आएगा, वहां से 24 आएगा। इसी तरह इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करते हैं, यही तो एचसीएफ का प्रोसेस है। एचसीएफ के प्रोसेस से ये बात सामने आई है कि एचसीएफ में आप डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं, उस डिवीजन मेथड का यूज करके इस प्रॉपर्टी को बनाया गया है। और यहाँ पे ये बात बताई गई कि बस आपको काम क्या करना है, सिर्फ इनका डिफरेंस निकालना है, जब भी कॉमन रिमाइंडर निकालना होगा। और क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो 12 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। आपको क्या निकालना होगा इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ इन 3 नंबर्स का है, 24, 60 एंड 84 का 12 आएगा, और 3 हो गया आपका कॉमन रिमाइंडर। यानी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गिव सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम। चले आगे, नोट कर लिया आपने, टाइप 5 नोट कर लीजिए। तो टाइप 6 देखते हैं हम लोग। टाइप 6
टाइप सिक्स का क्वेश्चन कौन सा बनेगा देखते हैं। देयर आर फाइव नंबर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देयर आर फाइव नंबर्स एचसीएफ ऑफ ईच पॉसिबल पेयर ऑफ ईच पॉसिबल पेयर इज फोर, एचसीएफ दिया हुआ है इज फोर, एंड एलसीएम ऑफ ऑल एंड एलसीएम ऑफ ऑल फाइव नंबर्स इज 27,720। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल प्रोडक्ट ऑफ दीज फाइव नंबर्स। ये जो फाइव नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें बताना है। ये एक टाइप है क्वेश्चन का, क्या है सर देयर आर फाइव नंबर्स, कुल मिला के टोटल क्वेश्चन में कितने नंबर दिए गए हैं, फाइव नंबर्स दिए गए हैं और लिखा हुआ है एच सी एफ ऑफ ईच पॉसिबल पेयर। फाइव नंबर्स का हमें पेयर बनाना है और ईच पॉसिबल पेयर का जो एच सी एफ होगा वो कितना है, फोर है, मतलब यहाँ सेम है, मतलब एच सी एफ जितने भी पेयर बनेंगे सबका एच सी एफ सेम आने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू सेम रहेगी। एलसीएम पूरा का पूरा फाइव नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यदि ये सिर्फ टू नंबर्स होते हैं, ओनली फाइव नंबर्स की जगह पे क्वेश्चन में होता ओनली टू नंबर्स तो ये क्वेश्चन हो जाता टाइप वन। जो टाइप वन में मैंने बात बताई थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, लेकिन सर यहाँ पे तो ये एक नंबर, ये टू नंबर्स नहीं लिख के फाइव नंबर्स लिख दिया है कि आपके पास कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, फाइव, और आपको निकालना क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालने के लिए सर हमें ज़रूरत किस बात की है, एच सी एफ इंटू एलसीएम, लेकिन एच सी एफ किसकी, यही चीज़ें हम देखेंगे। आइए पहले इस पर डिस्कस करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में चाहूँ तो एक लाइन में लिख दूंगा क्वेश्चन लग गया, लेकिन नहीं, मैं ये चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला लिखा जाएगा क्यों लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा। आइए, ये है कॉन्सेप्ट पॉइंट, आंसर नहीं है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट पॉइंट, और पहले कॉन्सेप्ट पॉइंट पे डिस्कशन होगा फिर जाके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट पॉइंट सर ये फाइव नंबर्स के लिए बोल रहा है, तो आप टू नंबर से ज्यादा के लिए बताए थे कि दो नंबर से जब ज्यादा हो जाएंगे तो टाइप वन अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए एक नया तरीका है, तो मैं थ्री नंबर्स यहाँ पे ले रहा हूँ, कितने थ्री नंबर्स, और देखिएगा वो थ्री नंबर्स के अकॉर्डिंग ये हमारी वैल्यू क्या आती है। थ्री नंबर्स लिए हमने 20, 24 और 50। अब यहां से एक चीज आप देखिएगा, 20 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5, ये देखिएगा इसका फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3, और इसका जो फैक्टर होगा 2 × 5 × 5, ये हो गया इसका फैक्टर, फैक्टर करेंगे आप तो ये बनेगा फैक्टर। अब इसके बेसिस पे एक बात बताइएगा, इन दोनों का हमें जब भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इसका और इसका। तो इसके लिए आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 × 5 × 3 × 2 1 3, फिर ये हो जाएगा, फिर 3 है इंटू 2 × 5 × 5, यही तो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही चीज मल्टीप्लाई करनी है। मतलब 2 कितनी बार आया सर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 to the power 6, और 3 सिंगल है, 5 का क्यूब है, इंटू 3 इंटू 5 का क्यूब, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए अब एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ ऑल नंबर्स, क्या निकालना है आपको, एचसीएफ ऑफ ऑल नंबर्स, एचसीएफ ऑफ ऑल नंबर्स वो कितना आएगा बताइएगा सर। इन तीन नंबर्स का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ ऑफ ऑल नंबर्स कॉमन है 2, कितना है 2, तो एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स क्या हो जाएंगे, एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स, एलसीएम जो होगा ऑल नंबर्स, ऑल 3 नंबर्स, यहां पे जो कॉमन पॉइंट है ये कॉमन को A12 लिख दिया आपने, इनटू इन दोनों में, ये देखिएगा इन दोनों में कॉमन है 2, और इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो ये हो जाएगा इन दोनों 2 के बदले में आप A12 लिखेंगे, इन 2 5s की जगह पे आप 1 5 लिखेंगे, और क्या बचा, फिर 2 × 3 × 5 बच गया, तो × 2 × 3 × 5 आपने ये लिख दिया, तो ये आ गया 2 to the power 3 × 3 × 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा इनके पेयर्स का आप एचसीएफ निकालिए, दो दो नंबर्स का एचसीएफ किसका निकालेंगे आप, एचसीएफ दिख रहा है आपको, एचसीएफ ऑफ 20 × 24 सर, 20 और 24 का एचसीएफ है 2, और ये दोनों भी कॉमन है बस, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया HCF of these two, कितने पॉसिबल पेयर्स होंगे सर, 1 pair, 2 pair and 3 pair पॉसिबल पेयर, ये लिखा हुआ है ना, देयर आर 5 नंबर, HCF ऑफ ईच पॉसिबल पेयर, ईच पॉसिबल पेयर का मतलब यहां पे अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो इनका पॉसिबल पेयर, ये दो एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, और 20 50 का तीसरा पेयर बना, तो मैक्सिमम पॉसिबल पेयर यहाँ पे कितने हैं 3, जितने नंबर्स होंगे सर उतना उसमें मैक्सिमम पेयर बनेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम पेयर 3 बना, 20 एंड 24 इसका एचसीएफ आपने निकाला 2 सर, ये दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ यहाँ पे 2 का स्क्वायर। एचसीएफ ऑफ 20 के अलावा आप क्या लिखेंगे, 24 × 50 का, 24 और 50 का HCF क्या होगा, यहां पे देखेंगे आप इन दोनों में क्या कॉमन है सर, 2 कॉमन है बस, ये 2 कॉमन है, फिर देखिएगा 20 इन दोनों में क्या कॉमन है, 20 HCF ऑफ HCF of 20 × 50 इसका HCF लिया आपने 20 और 50, यहां 2 और 2 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, तो 2 × 5 ये हो गया आपका HCF। तो कुल मिला के हमारे पास इतनी चीजें हैं, हमने ये फाइंड कर ली। अब देखिएगा इसमें रिलेशनशिप कैसा बना कि प्रोडक्ट एचसीएफ ऑफ ऑल नंबर, यहां देखिएगा एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स कितना आया है, ये 2 का क्यूब, मैं इधर लिख रहा हूं, यहां ज्यादा रहेगा, इधर देखिएगा
चलिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यहां देखिएगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स, एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स इनटू एच सी एफ ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स, एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स, क्योंकि ये करवाने के पीछे हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दे, तो यहाँ पे आपको ये बातें जानना जरूरी होती हैं। तो एलसीएम में आप हर एच सी एफ, हर पेयर के एच सी एफ से क्या कर दीजिए, हर एच सी एफ के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसको कॉमन एच सी एफ से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आता है। यहाँ से हम देखते हैं कैसे, इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर्स हो गया 2 का क्यूब और 2 पे पावर 3 हो गया, ठीक है, 3 × 5 का स्क्वायर। इसका देखिएगा एच सी एफ ऑफ 2 × 24 × 2 का स्क्वायर, ये हो गया एच सी एफ ऑफ 24 एंड 50 × 2 × एच सी एफ ऑफ 20 एंड 50 2 × 5, और डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स कितना है सर, एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स आया 2, एच सी एफ ऑफ एक 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये लिख दीजिए बस आप 2 का क्यूब 2 पे पावर 2, और 2 पे यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1, ये ऐड हो जाते हैं पावर जब बेस इक्वल होते हैं, आप इंडिसेस चैप्टर में ये आगे पढ़िएगा, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये 2 टू द पावर 6 × 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर 1 है ये हो जाएगा, और बीच में एक 3 × 5 टू द पावर 3। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यही आया है, 2 टू द पावर 6 × 3 × 5 का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑफ नंबर्स। मतलब आपके पास एक फॉर्मूला है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना है, जितने भी नंबर होंगे, देख रहे हैं आप, जितने भी अगर 3 नंबर्स हैं, जितने पेयर बनेंगे सबका हमने क्या कर दिया, अगर नंबर 3 है तो यहाँ पे पेयर भी 3 बनेंगे, और इस केस में इनका एच सी एफ आप निकाल के एलसीएम इंटू एच सी एफ जरूर करेंगे, लेकिन एच सी एफ ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, उनमें आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड क्या कर दीजिए इसमें सर, एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स, जितने नंबर थे उनके एच सी एफ से डिवाइड करने के बाद ये क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। तो यहां से एक ये तो बेसिक फॉर्मूला आपके सामने है, क्या यहां पे आप समझ गए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स इंटू एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई ऑल पेयर्स, और यहां लिखेंगे एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स, ये फॉर्मूला आया। अब देखिएगा इसमें कुछ चेंज करना हो अगर आपको, अगर एच सी एफ ऑफ ऑल पेयर्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये भी एच सी एफ, इन दो नंबर्स का एच सी एफ, इन दो नंबर का एच सी एफ और इन दो नंबर का एच सी एम, सबका एलसीएम हो 4 4 4, तो कॉमन एच सी एफ भी कितना होगा, वो भी 4 होगा। अब इसके आगे देखिएगा, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, इफ इफ एच सी एफ ऑफ ऑल पेयर्स आर इक्वल देन इट इज ऑल्सो इक्वल, इट इज ऑल्सो
इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स, एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स के इक्वल होगा। तो ये बताइएगा यहाँ पे अगर नंबर्स यहाँ पे कितने होंगे, अगर थ्री नंबर्स होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑफ नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ का क्यूब। अगर ये तीन तीन नंबर हैं तो एचसीएफ का क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल कितने पेयर बनेंगे, थ्री, सबका एलसीएम एचसीएफ इक्वल होगा तो फोर इंटू फोर इंटू फोर यही तो होगा। तो यहाँ पे एच सी एफ का क्यूब डिवाइड बाई एच सी एफ, वो एच सी एफ क्या होगा सर, ये एच सी एफ जो एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स ये भी वही होगा, फोर ही होगा। तो ये एच सी एफ क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब इसको आप ऊपर भेज दीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा एल सी एम इंटू एच सी एफ टू द पावर टू। टू द पावर टू का मतलब पॉसिबल पेयर कितने बन रहे हैं, फोर, नंबर कितने थे थ्री, पॉसिबल पेयर कितने बने थ्री, तो यहाँ टू। तो जनरल फॉर्मूला अगर लिखना होगा आपको तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा सर, जनरल फॉर्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स, एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स इनटू एचसीएफ टू द पावर एन माइनस वन, एलसीएम इनटू एचसीएफ टू द पावर एन माइनस वन। ये एक जनरल फॉर्मूला बन के आया आपके सामने, इसको कहेंगे जनरल फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इज टू एच सी एफ माइनस वन। ये हो गई इस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। आप एक बार जरूर उसको सॉल्व करिए तो ये फॉर्मूला आपको पूरे जीवन कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि आप ये बात समझ गए कि एच सी एफ होता क्या है। प्रोडक्ट ऑफ अब कितना भी नंबर हो सर, दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दो नंबर होगा तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो एल सी एम इंटू एच सी एफ आ जाएगा। सर थ्री नंबर्स होंगे तो थ्री माइनस वन, यहाँ पे एल सी एम इंटू एच सी एफ टू द पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एच सी एफ ऑफ, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे आप, जब एच सी एफ ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स इज इक्वल। इन सच केस एच सी एफ ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू सच एच सी एफ। तो इस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब सर अगर जितने भी पेयर्स हैं सबके एच सी एफ इक्वल हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एच सी एफ इक्वल नहीं है, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तब कैसे लगेगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे एल सी एम ऑफ ऑल नंबर्स इंटू एच सी एफ ऑफ ऑल पेयर्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स। यहाँ मैंने लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, ऑल पेयर्स, और यहाँ लिखा हुआ है एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स। ये एक कॉमन एच सी एफ है जो तीनों में कॉमन है, और ये अलग अलग पेयर्स के लिए एच सी एफ निकाला गया है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इससे मैंने ये बात यहाँ से लिखी है, मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये कनेक्शन आ रहा है, ये कनेक्ट हुआ। यहाँ के बाद आप उसको लिखेंगे कि अगर ये, मैंने इसीलिए यहाँ लिख लिया, इफ एच सी एफ ऑफ ऑल पेयर्स आर इक्वल, ऑल पेयर्स आर इक्वल, देन इट इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ऑल नंबर्स, एंड इन सच केस दिस रूल विल बी चेंज एज सच। लिखिए आप इसको, तब जाके मैं अब इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन लग जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, अब लग गया, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, कॉन्सेप्ट पॉइंट से। ये बातें लिख लिया आपने, उसके बाद यहाँ से ये बात है, यहाँ से ये बात है, लिख लीजिए।
मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा इसके लिए। चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? देयर आर फाइव नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स देखिएगा फाइव हैं। ऑल पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे? पॉसिबल पेयर्स होंगे, पॉसिबल आंसर यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पॉइंट खत्म होता है। पॉसिबल पेयर्स इक्वल टू फाइव, मतलब एन इक्वल टू कितना हो गया? फाइव। आगे चलते हैं, एच सी एफ ऑफ ईच पॉसिबल पेयर इज फोर, मतलब यहां पे दिया हुआ है एच सी एफ ऑफ ईच पॉसिबल पेयर ये है इक्वल है, ये क्या है सर? ये इक्वल है और ये फोर के इक्वल है, पॉसिबल पेयर इक्वल, ये इंफॉर्मेशन हो गई। एंड एलसीएम दिया हुआ है, तो सर जब ये इक्वल होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ पेयर्स टू द पावर एन माइनस वन। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइव नंबर्स हैं, एलसीएम दिया हुआ है सर 27,720 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 4, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे 5 माइनस 1, ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर, इसको पहले लिख दीजिए आप 27,720 इंटू ये 4 हो जाएगा इंटू 64, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आंसर आ जाएगा 7096 32320, ये हो गया आपका आंसर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको मल्टीप्लाई करने आता ही होगा,
मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है सर, ये जीरो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे और बाकी 2772 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 64 में, जो भी आएगा लास्ट में जीरो लगा दीजिएगा। ये वन डिजिट इससे क्या हो गई, कम हो गई। अब इसका आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करने का अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, 8 इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना हो जाएगा, 7 4 28 सर, 82 कैरी किया 30 0, 7 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर, 28 2 कैरी किया था ऐड हो गया, ये 0 3 कैरी करेगा, ये हो जाएगा 15, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 कैरी करेगा ये हो जाएगा 43, 4 कैरी करेगा 43, 7, 6 12 2 1 कैरी किया चाहे 4 कैरी किया 42 46, 6 और ये हो गया 12 × 4 ये 2 गलत, यहाँ पे 64 नहीं, गलती, ये मेरा आंसर कुछ गलत आ रहा है यहाँ, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये सीधा सीधा आएगा 256, ये आएगा 4 to the power 4 है, मैंने 4 to the power 3 की वैल्यू लिखी थी, 4 to the power 4 और ये हो जाएगा 64 × 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 कैरी किया ये 25, 256 यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 256। अब यहाँ पे हमें 256 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 256 से ही, आंसर यही होगा 7096320। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यही था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स इनटू एचसीएफ टू द पावर एन माइनस 1। चलिए टाइप 7 क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए, टाइप 7 क्वेश्चन कौन सा होता है देखते हैं हम लोग। टाइप सेवन जो है क्वेश्चन का, देखते हैं क्या है। इट इज पॉसिबल टू डिवाइड, क्वेश्चन पूछ रहा है इट इज पॉसिबल टू डिवाइड 1009 1394 by in two parts such that their HCF may be 34, in two parts such that their HCF is 34। ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1394 को क्या दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, दोनों पार्ट का HCF 34 होना चाहिए, सर दोनों पार्ट का HCF 34 होने का मतलब ये है कि HCF का मतलब होता क्या है सर, HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वो नंबर है जो दोनों पार्ट को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर इस केस में क्या आना चाहिए, जीरो, लिविंग नो रिमाइंडर, अगर ऐसा है तो वो HCF है। मतलब क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि आप 1394 को दो पार्ट में अगर तोड़ देंगे तो इसको भी 34 से अगर डिवाइड करते हैं और इस नंबर को भी 34 से डिवाइड करते हैं तो क्या पॉसिबल है कि इसका दो पार्ट होगा
चलिए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक्स है पार्ट, ये वाई है, इन दो पार्ट्स को चेक करना है, तो नंबर सिस्टम में याद करिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पॉइंट बताया था कि इफ अ नंबर, इफ टू नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, इफ टू नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर देन देयर सम एंड देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई सेम नंबर। याद आ रहा है आपको? तो यहां भी वही चीजें हैं कि सर अगर ये एक्स और वाई ये दो पार्ट्स हैं तो एक्स प्लस वाई ये दोनों अलग अलग डिविजिबल होंगे, दोनों अलग अलग डिविजिबल होंगे, तो उनका ये सम इन दोनों को ऐड करने पे दो पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए था, 1394। और ये पूछ रहा है कि ये इसका भी फैक्टर होगा 34 और इसका दोनों का, तो ये नंबर तो हमें पता नहीं है तो चेक कहाँ से करेंगे। सर आप इसको चेक कर लीजिए, 1394 को चेक कर लीजिए, ये 34 को कंप्लीट 34 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये दोनों नंबर्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स का सम इनके बराबर होता है, और ये दोनों नंबर अगर 34 से डिविजिबल होंगे तो ये नंबर भी होगा। तो क्या इसका उल्टा हम नहीं बोल सकते? हमने रूल क्या पढ़ा था कि इन दोनों नंबर का, इसका डिविजिबल है कोई नंबर, इसका भी है, तो दोनों का सम करिएगा तो इसका भी डिविजिबल होगा। तो इसका उल्टा पढ़िए, अगर कोई नंबर है उसको दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है, तो दो अगर इस नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो इन दो पार्ट्स को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 20 प्लस 30, 20 को भी 10 डिवाइड करता है, 30 को भी 10 डिवाइड करता है, तो 50 को भी 10 डिवाइड करेगा, यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ भी डिवाइड करेगा। तो सेम अगर इसको डिवाइड कर रहा है 10, तो क्या इसको दो पार्ट में 50 को नहीं तोड़ा जा सकता है जो 10 से डिवाइड होगा? बिल्कुल। मतलब इस क्वेश्चन में बस इतनी ही सी बात थी कि सर आप चेक कर लीजिए डिवाइड करके किसको, अगर 1394 किससे डिविजिबल है, 34 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं जो 34 से डिविजिबल होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। आइए चेक करते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं है। सर कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स 6, 1 कैरी करेगा, ये हो जाएगा 13, ये आ गया 3, 34, 1, 34 कैंसिल, यानी कि हो सकते हैं। यस देयर विल बी टू पार्ट्स, देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ 1394 दैट विल हैव HCF 34। यहां पे ये फिगर बना लीजिएगा, अगर ये 34 से डिविजिबल है तो ये दोनों नंबर्स भी होंगे। ये आप नंबर सिस्टम में याद रखिएगा, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में बेसिक पॉइंट्स में आपको मैंने ये बात बताई थी कि इफ टू नंबर्स आर डिवाइड बाई एनी नंबर, डिविजिबल बाई एनी नंबर, देन देयर सम एंड देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई सेम नंबर। तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने यहाँ आपको बताया कि ये नंबर है, ये अगर 34 से डिवाइड हो रहा है तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं जो दोनों पार्ट इस 34 से डिविजिबल होंगे। आपका आंसर है यस। तो यहां मैं क्लास को यहीं पर रोकता हूं, अगले क्लास में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, ये है टाइप 7, यानी सर लेक्चर नंबर 2 में आपने टाइप 7 तक कर लिया है। 1 मिनट। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग फिर टाइप 8 से शुरू करेंगे। टाटा बाय बाय।